अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू शोकडक रिएक्शन। मैं हूं शाबिस और विनायक। क्यों इतना कॉर्नर में चला गया आज? थोड़ा सा ग्रेट। ओके, सो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टीजर्स के ऊपर, इश्क एला। इश्क एला, ओके। बेसिकली मैंने इसका आज सुबह ही मैंने हंटी में इसका एक पोस्ट देखा था, इश्क एला। ओके, बहुत ही वो इंट्रोडक्शन कुछ एक्टर्स के नाम वगैरह देखा, तो साजिद अली थी इसमें एंड उमना जैदी थी और अजान समी खान इज अ सिंगर एक्चुअली, हम लोगों ने उनका ट्रैक भी किया है। तो मैंने देखा था, मैंने इग्नोर कर दिया था, बट इन्होंने सजेस्ट किया कि उनको डीएम आया है फ्रॉम निमरा निमरा एंड शी वॉज सजेस्टिंग अस अ लॉट। सो हम लोगों ने जब सर्च किया तो हमें पता चला इसके दो टीजर्स आए, टीजर वन एंड टीजर टू। ओके, सो वी आर रिएक्टिंग ऑन द टू टीजर्स एंड इसका ओएसटी जब भी आएगा हम लोग उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली यू गाइस नो हाउ मच वी लव सजल अली और युमना जैदी का हमने बहुत सारा स्टफ देखा है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑन दिस। कैसे बात करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। और मेरी जबान हो रही है अर्जेंट में, मार रहे हैं। ओके, एंड फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, इसकी डिटेल्स हमने दिए हैं। एंड यू गाइस नो कि हम लोग जब टीजर रिएक्ट करते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्ट ऑन द ऑल द टीजर्स जो भी है अवेलेबल है, उसके बाद वी टॉक अबाउट दैट। सो वी आर रिएक्टिंग ऑन द फर्स्ट टीजर फर्स्ट। ये इश्क भी क्या आग है, जिस तन लागे वो मर जाते। और आपका आज का क्या लाइनअप है? चला है एवरीथिंग ओके? आज डरना शुरू हो जाएंगे तो बेटियों को भागो कौन बनाएगा? तुम अपनी दुनिया मेरे लिए छोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी अपनी दुनिया से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें अपनी दुनिया से है। ड्रामा सीरियल इश्क एला जल्द आ रहा है। फर्स्ट आई वांट टू नो द मीनिंग ऑफ इश्क एला। व्हाट कमेंट में मिल जाएगा शायद। ओके, आई वांट टू सी इट अगेन। या विल सी इट अगेन द फर्स्ट टीजर। ये इश्क भी क्या आग है, क्या आग है जिस तन लागे वो मर जाते। हाँ राफा, आज का क्या लाइनअप है? चला है एवरीथिंग ओके? आज डरना शुरू हो जाएंगे तो बेटियों को भागो कौन बनाएगा? तुम अपनी दुनिया मेरे लिए छोड़ सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी अपनी दुनिया से उतना ही प्यार है जितना तुम्हें अपनी दुनिया से है। ड्रामा सीरियल इश्क एला। आई लाइक द पोस्टर एक्चुअली, ड्रामा का पोस्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटेंस है। दूसरे पे चलें? या विल सी सेकंड टीजर। आई थिंक यहां पर युमना जैदी को है। इश्क एला में सबसे कठिन मरहला सब्र। हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? कदम कदम पर आसपास आपको पता है आज तो उसने हद पार की है। मुझे नहीं गुजारनी है बुजदिली की जिंदगी। ड्रामा सीरियल इश्क एला। हमने इश्क ज़हन नसीब के ओएसटी में एक बात की थी, कि क्या दो अलग अलग प्लॉट्स चलते हैं ड्रामा में, एंड आई टोल्ड यू कि चलते हैं लेकिन दे विल बी द कनेक्टिविटी। एग्जैक्टली वी कैन सी हियर, यू नो, सजल अली और अजान की एक अलग ही यू नो स्टोरी है एंड युमना जैदी का अलग है, लेकिन दे विल बी द कनेक्टिविटी इन द कनेक्शन होगा एक कुछ जो कि ड्रामा में देखने वाला है। आई थिंक दो डिफरेंट प्लॉट्स, इधर पोअर वन एंड आई थिंक दे आर फ्रॉम द मीडिया पीपल एंड देयर इज सम I think she's from media and he's a businessman. So you पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए दुनिया छोड़ सकते हो? तुम्हारी क्या तुम मेरे लिए दुनिया मेरी तुम्हारी छोड़ सकते हो? नहीं है ना, तो मैं भी नहीं छोड़ सकती हूँ। तो basically वो एक conflict आ रहा है क्योंकि media में अगर वो तो they should be very forward step होना चाहिए, लेकिन काम ज़्यादा होता है, lineup ज़्यादा होती है काम की। जैसे कहीं इनको राफिया काम देती है, lineup देती है इनको, सुना था मैंने। तो हाँ वो शायद ये बोले थे ना राफिया से क्या lineup है। अच्छा 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 अच्छा। तो राफिया, क्योंकि राफिया नाम एग्जिस्ट करता नहीं पता था। मेरा एक दोस्त हुआ था राफिया है, नहीं एक दोस्त हुआ करता था मेरा, हम उसको छेड़ते थे उसको कि राफिया है नहीं। उसको बोलते थे कि तेरी राफिया है ना, वो दुकानदार है ना, उनकी बेटी राफिया है ना तेरी, बोल के हमको पता नहीं था कि राफिया नाम होता भी, वो ऐसे एग्जिस्ट करके इमेजिनरी कैरेक्टर थे वो, उसको ऐसे ही हम करते थे। तो वो नाम याद आया मुझे राफिया बोल।
आई थिंक सजल अली का ये अलिफ के बाद ये ड्रामा एंड यार हमें डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए किसने जीता इस बार का अवार्ड. देयर वाज अ अवार्ड शो गोइंग ऑन इन पाकिस्तान. अबो द एक्टर एंड मैंने उनको सजल अली को देखा था अलिफ के लिए. शी वाज नॉमिनेटेड. आई डोंट नो किसने जीता. हम टीवी के अवार्ड देते शायद वो. ओके सो आई थिंक वेरी गुड टॉपिक. छोड़ो ना मुबारक. सॉरी फॉर दैट. ओके सो क्या बोल रहा था मैं अपना अलिफ के जो अवार्ड्स फंक्शन थे. हाँ कौन जीता. या सो या जैसे कि हम लोगों को बताया कि सजल अली इज आवर फेवरेट एक्ट्रेस. मुझे मुझे बोला भी गया था डीएम में कि आपकी क्रश का क्या है वो टीजर आया हुआ है. आजकल ऐसे भी हमको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि पर्टिकुलर एक्ट्रेस का क्रश है. हां वो तो है ही बट अगेन यो इश्क ए ला इश्क है सीधा तुम अगर यहाँ पे ओके ओके अगर यहाँ पे इश्किला की मीनिंग यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत ही यूज वर्ड कॉमन वर्ड है वहाँ पे. गूगल भाई जिंदाबाद. इश्किला इश्किला पता पहला इश्क शायद. हाँ मीनिंग 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 आई थिंक इश्किला मतलब पहला इश्क. Infinite love. Ah, infinite love. Okay, okay, okay. Okay. I got it now. I got infinite love. Okay. So, as we told after seeing the thumbnail, it is going to be the intense one. Intense one. Yeah. So, what? Oh, maybe the love triangle bhi ho sakta hai? Ho sakta hai love triangle. Ya phir apne zindagi se pyar. काम से प्यार करियर से प्यार वो जो आजकल चलता आ रहा है उसके वजह से पर्सनल लाइफ का प्यार कैसे इफेक्ट होता है ऑल द स्टफ. या सो अमेजिंग कास्टिंग एक्चुअली स्टार्स बहुत अमेजिंग है. सी अदनान अजान समील खान जो भी इनका डेब्यू है इसमें इज अ सिंगर. सो आई डोंट नो अबाउट कि वो कैसा काम करेंगे. वो तो मॉडल लग रहे हैं यार. वो तो मुझे मतलब लग रहा है कि सीरियल देख रहा हूँ. मतलब वो एक ऐसा फेस सीरियल फेस एकदम से जल्द आए तो हम लोग सुने और ये भी जाने की इस ड्रामे के ओएसटी को कौन अपनी आवाज देंगे. सो ज्यादा बड़ा कंटेंट नहीं है. इट्स जस्ट 30 सेकंड्स का टीजर. सो वी जस्ट कांट टॉक लॉट अबाउट दिस एंड वी कांट जज बिकॉज हम लोग ज्यादा देखने के बाद ही बता करेंगे. वेट करेंगे ओएसटी का. वी विल वेट फॉर द ओएसटी एंड द अदर टीजर्स. सो दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन इश्क ए ला टीजर एंड थैंक यू फॉर डीएम करके इनको रिक्वेस्ट निमरा. एंड आपने एक इमोशनल मैसेज भी किया था कि कितना क्या कितना इंतहा क्या कितना परेशान करोगे कितना पता नहीं कितना सब समथिंग कुछ इमोशन सबर का इम्तिहान. नहीं 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 वो एक्चुअली शोस टेलिंग के ये हमटी वाले उनका सबर का इम्तिहान ले रहे हैं. वो टीजर्स जल्दी जल्दी नहीं छोड़ रहे हैं तो इसमें रिएक्ट कर दो बोल रहे थे शायद वो. और उसके साथ साथ वो कुछ और बोल रहे थे वो. और बहुत सारे सजेशन हैं उनके. एक एक करके लाएंगे यहाँ पे. तो पहला जो सबसे लास्ट में था वो हमने पहले उठाया पहले उठा लिया. इसके बाद देखते हैं. जिसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं. दिस मोहित शाविस. मोहित नायक साइनिंग ऑफ.